देखो प्रियांश रात के 12 बजे आइसक्रीम खा रहा है। टाइम हो रहा है 12:04 और ये आइसक्रीम खा रहा है। इतना मौसम ठंडा हो गया है। दादी ने आइसक्रीम छुपा के रखी थी हमसे कि हम ना खा लें, और इसने देख ली होगी, इसको फ्रिज तो खोलना आता ही है, अपने आप खोल लेता है फ्रिज। अब आइसक्रीम खा रहा है, खत्म भी होने वाली है। बर्फ बर्फ छुपी थी, बर्फ पिघली तो नहीं बुलाएंगे। में कहाँ पे? अरे फ्रीजर में उस दिन लाई थी ना तनु वंदना, तो फ्रीजर में डाल दी थी। मैं तो खाती नहीं हूँ आइसक्रीम, बर्फ बनती गई है वो उसके अंदर दबती गई। अभी आज फ्रीजर में नहीं बनाया। आइसक्रीम के तो दोनों दोनों के दोनों दीवाने हैं। नन्नू भी खाता है बहुत आइसक्रीम। कुछ मत दो इसको, इनको आइसक्रीम दे दो। हाँ नक्शी, नन्नू, नक्श, नक्श वैसे नाम हो गया। नन्नू तो घर में ही प्यार से बोलते हैं, इसका नाम प्रियांश है तो इसको प्रिंसू बोलते हैं। अभी आइसक्रीम कैसे चटा चट चाटने में लगा हुआ है। मम्मी को दो इधर, प्रिंसू मम्मी ले ले, मम्मी ले ले आइसक्रीम दे दो। देने आ रहा देखने आ रहा है। आइसक्रीम खा ली आपने? खा ली प्रियांश ने? खा ली है आइसक्रीम। आइसक्रीम खा ली? कैसे खाई? ये देखो। आइसक्रीम खा ली इसने, गपा गप आइसक्रीम खा गया। दादी ने हमारे लिए तो रखी नहीं, इसके लिए आइसक्रीम लाई। तुमको ही मिलेगी अब, है ना? तुम्हारे दिन है। भाई के लिए नहीं रखी? भाई बेचारा सो गया, उसको तो कुछ मिला नहीं। उसने अपने उसने भी बहुत खाई है, अब सो गया है ना वो। इतना टाइम हो गया है, 12 बज गए, और इस मासा इंसान का सोने का कोई मतलब नहीं बनता। वो सो चुका है, वो 10:30 बजे सो गया था, और ये अभी 12:05 हो रहे हैं, ये अभी तक सोया नहीं है। और पता है नहीं है, अभी चांस भी नहीं है सोने के, लग नहीं रहा है इसको देख के ये सो जाएगा। लग रहा है नहीं सोएगा, ये सोएगा तब जाके तो मैं सोऊंगी और दादी सोएगी, क्योंकि ये कमरे में टिकेगा नहीं, ये कमरे से बाहर जाएगा। ये देखो जा रहा है गया ना, ये मुझे सोने देगा ना, ये अपनी दादी को सोने देगा, और पापा तो उठे ही हैं। ये लाइट भी तभी बंद होगी जब ये सोएगा। तो चलो देखते हैं कब सोएगा ये, तभी हम सो पाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण पाठक की दुनिया। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का वीडियोस क्या होगा, क्या दिखा सकते हैं वो पता चलेगा आपको आगे, तो आगे तक देखते रहना। चलते हैं आइए। तो मम्मी बना रही है ये झींगा की सब्जी, यानी पहाड़ी तोरी। मिल तो सब जगह जाती है। अब ये सुबह नाश्ते में बना रहे हैं झींगा, झींगा की सब्जी। वही सब डाला है, सेम प्रोसेस होता है इसमें भी, यही टमाटर प्याज जो भी मसाला वगैरह होता है सब। तो इसको बोलेंगे झींगा की सब्जी, ये हमारा ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है। फ्रेंड्स मेरा हो गया है खाना तैयार। आज मैं खा रही हूँ झींगा की सब्जी, जो कि सुबह मॉर्निंग में बनी थी, मैंने मॉर्निंग में नहीं खाई थी, तो अभी खा रही हूँ। उसके साथ राइस रोटी, और ये है भटकी दाल। अब पता नहीं कुछ लोगों ने देखी होगी तो कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये भटकी दाल पहाड़ में ही मिलती है, यानी कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ही मिलेगी ये भटकी दाल। अभी आज मैं ये रेसिपी देख नहीं पाई थी बना के, मतलब बना रहे थे उस टाइम तो टाइम नहीं लगा था दिखाने का वीडियो में, पर मैं आपको हल्का फुल्का बता देती हूँ। इसकी जो ग्रेवी है ये आटे को भून के बनती है, जो ये ग्रेवी है, थोड़ा क्लोज करके देखो। इसकी जो ग्रेवी है ये आटे को भून के बनती है, और ये भट को भूना जाता है पहले। मुझे ये दाल बहुत अच्छी लगती है, मैंने शादी से पहले कभी नहीं खाई, मैं यहाँ आई हूँ तभी मैंने खाई है, ना ही मैंने कभी सुना था। तो ये दाल बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, मतलब एक तरह का तुम सुपर लाजवाब बोल सकते हो उसको। इसको भून के बनाते हैं, और इसको सुबह नाश्ते में भी आप ये जो भट है इसको फ्राई करके खा सकते हो, टमाटर प्याज वगैरह डाल के। और एक वाइट वाली भट भी होती है, वो भी भून के खाई जाती है, सुबह नाश्ते में खा लो उसको, टमाटर प्याज का जैसे फ्राई करके भून के। और ये दाल है ऐसे करके, ये आपको वहीं मिलेगी उत्तराखंड में, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये वहीं मिलेगी उत्तराखंड में। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि, मतलब पता नहीं ऑनलाइन मिलती होगी, क्योंकि हमने तो कभी नहीं मंगाई है ऑनलाइन, और यहाँ आसपास में हमें कहीं नहीं मिलती है। हमने बहुत सर्च भी किया है कि हमें मिल जाए, क्योंकि दाल घर में सब लोग पसंद करते हैं, भाई कमाओ गए तो हमें तो पसंद आएगी आएगी, और मुझे भी अच्छी लगती है आने के बाद तो, और मेरे घर से भी जब आते हैं तो उनको भी अच्छी लगती है। तो ये जब हमारे गांव से कोई आता है, वहाँ से पहाड़ से कुमाऊँ से कोई आता है, तो वहीं से हम ये दाल मंगाते हैं, वहीं से आती है।
और बाकी हम ना ऑनलाइन मंगाई हमने कभी ना हमें कहीं आसपास मिलती है। खाने में इतनी टेस्टी है, जब इसकी ये जो ग्रेवी अगर जब भूनते हैं, जब ये ग्रेवी बनाते हैं इसकी, तो ऐसी खुशबू आती है जैसे कि पंजीरी बनती है। जब आटे को भूनते हो, पंजीरी बनाते हो, तो उसकी खुशबू आती है ना, तो ऐसी इसकी ग्रेवी की खुशबू आती है। इसकी ग्रेवी जितनी टेस्टी है ना, भट्टो टेस्टी है ही, ग्रेवी इतनी टेस्टी है ना, खाने में ऐसा लगेगा तुम क्या चीज़ खा रहे हो, मैं क्या बताऊँ, इतनी इतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और जो भट खाओगे तो बस कहने के लिए नहीं, इतना टेस्टी होता है। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी शेयर करूँ। तो कभी आप उत्तराखंड की साइड जाओगे, नैनीताल या उत्तराखंड की साइड जाओगे, तो ये दाल ज़रूर ऑर्डर करना, जो वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, तो ये दाल ज़रूर ऑर्डर करना, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, आगे जब बनेगा तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी क्या क्या होता है। तो चलिए खाना खाते हैं पहले। 1 hour later लिखो, पढ़ाई नहीं करता है लड़का, पढ़ाई तो करता है मतलब ऐसा नहीं है, पर अभी 3 दिन की छुट्टी थी और बीच में फिर 1 दिन फिर क्लास होके फिर 2 दिन की छुट्टी वाल्मीकि जयंती की और फिर ईद और वाल्मीकि जयंती की। तब ये डेली सुबह उठता है ना, ये बोलता है आज मम्मी छुट्टी, जब लगातार छुट्टी हो जाती है ना स्कूल की, तभी डेली सुबह उठ के बोलता है मम्मी आज छुट्टी है ना, आज छुट्टी है ना मम्मी। मैंने कहा रोज ही छुट्टी हो जाएगी क्या? तो ये मतलब इसका ऐसा ही होता है, पढ़ाई में तो ठीक है पढ़ लेता है, एक दिन इसको लर्न करवाने में कोई मेरे को पोएम लर्न करानी होती है, याद करानी होती है, तो उस दिन इसको याद नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन अचानक से इसको याद हो जाता है, बोलने लग जाता है अपने आप तो ही। तो अभी ये अपना होमवर्क कर रहा है, इतने दिन से छुट्टी पे इतने चल रहा था सारे ना, बच्चे कर और पाओगे आज इसको क्या हो गया, तो सोचा आज भी छुट्टी हो, पर कोई नहीं, फिर भी पढ़ लेता है मेरा बच्चा, सियाना है ना। मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज सब्जी। अभी मैं पहले टमाटर पीस लेती हूँ। प्याज पीसती हूँ, प्याज भून रही हूँ। पहले मैंने तेल डाला, फिर जीरा डाला है, इसके बाद फिर मैंने प्याज डाला है, तो मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। अब डाल रही हूँ मैं इसमें अदरक, साथ में हरी मिर्च पिसी हुई, मतलब अदरक और हरी मिर्च थोड़ा सा पीस दिया है इसको, हम पहले से ही पीस के रख देते हैं जैसे फटाफट हो जाए। तो मैं डाल रही हूँ आलू, आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले मैं पहले आलू डाल दूँ, उसके बाद डालूँगी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और बीन्स जो होते हैं इनको बाद में डालूँगी। तो पहले मैं आलू को डाल दे रही हूँ इसमें, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर देती हूँ, जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, जो भी मसाला है ये आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं डाल दे रही हूँ उसमें पत्ता गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जो ये मसाला पूरे से इसमें मिल जाए। अब इसको थोड़ा सा गैस को थोड़ा कम पे करके इसको ढक के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें जो भाप होती है उसे थोड़ा सा ये पक जाए। दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है, अब तो इसने ऐसा काम कर दिया ना, इसको पीटने का मन करता है। नहीं पीटने का मन करता है, ये इसने रिमोट खराब करके रख दिया है, ये जो एसी का पानी जो आता है इसने इसने इसके अंदर रिमोट डाल दिया है। इसके पापा ने इसको खोल के अच्छे से ड्रायर मार के इसको हीट किया, मतलब पानी चला गया था इसके अंदर, तो इसको पूरा खोल के ड्रायर किया ड्रायर से, और तब सुखाने के बाद ये थोड़ा सा चलने लग गया। अभी भी इसके बर्तन अच्छे से प्रेस नहीं रहे, चल नहीं रहे हैं, तो इतना बदमाश है ये। अब हमें डर लगता है कि हमारे फोन ही ये पानी के अंदर ना डाल दे, हैं? क्यों किया हमने ऐसे? जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही शरारती होता जा रहा है लड़का। गुंडू गुंडू साहब,
तो आज बताना आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट्स तो आप बिल्कुल भी करनी है, कमेंट करके कैसे करते हैं बताओ, ताकि हमें भी पता चले कि कैसे हम वीडियोज़ कैसे बना रहे हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग कर चुके हैं वो बेल आइकन को भी सबसे पहले प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।